हेलो फ्रेंड्स, पूनम किचन में आज आपका स्वागत है। आज मैंने ये ठेकुआ बनाया है, इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही सॉफ्ट है, आप इसको एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये फ्राई किया हुआ है, इसको गुड़ और चीनी में मैंने बनाया है। छठ पूजा में भी ये प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। बिहार में हर शुभ अवसर पर इसको बनाया जाता है। आप चाहें तो घर में इसको स्नैक के रूप में भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, सभी को बहुत पसंद भी आता है। चलिए बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम यहाँ पे गुनगुना पानी लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे एक कप लिया है। ये 50 ग्राम गुड़ है, इसको कद्दूकस कर लिया है। इससे क्या होगा, पानी में अच्छे से ये घुल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा घुलने में। ये घुल चुका है। अब मैंने यहाँ पे 1/3 कप चीनी ऐड किया है, इसको भी घोल लेंगे अच्छे से। अब हम इसको दूसरे बर्तन में छन्नी से छान लेंगे, इससे क्या होगा, गुड़ की जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी आराम से। ये देखिए, ये छान लिया है मैंने। अब हम इसका डो तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने ये गेहूं का आटा लिया है 2.5 कप। यहाँ पे मैंने 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है, आप इसकी जगह पे घी या बटर भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड किया है, और ये डेसिकेटेड कोकोनट है जो 2 बड़े चम्मच है। सभी को डाल के मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमने गुड़ और चीनी का घोल बनाया है, इससे इसका डो तैयार करेंगे। डो हमें सख्त बनाना है, थोड़ा टाइट ही डो बनाएंगे। इसका डो बनाने में ही थोड़ी मेहनत लगेगी आपको। थोड़ा अच्छा से इसको हम गूनेंगे इस तरीके से। जितना ही आप इसको गूनेंगे उतना ही आपका ये ठेकुआ अच्छा बनेगा। बस हमारा डो बन के रेडी है। अब हम इसको बेलेंगे। अगर आप चाहें तो पूड़ियाँ जैसे गोल गोल बनाकर भी बेल सकते हैं, और इसके ठेकुए का सांचा आता है उस पर आप ठोक कर शेप दे सकते हैं, पर मैं यहाँ पे स्टार शेप में बना रही हूँ। बड़ी रोटी जैसे पहले हम इसको बेल लेंगे। और कुकी कटर से काट देंगे, ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है। ज़्यादा ना पतली रखेंगे और ना ज़्यादा मोटा रखेंगे, और कुकी कटर की सहायता से हम इसको जो भी शेप आप इसको देना चाहें दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार शेप में दिया है, कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे ठेकुआ तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 तरीके से बनाया है, कुछ डायमंड शेप में भी बनाया है, वो भी कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और डायमंड शेप वाले मैंने यहाँ पे बेक किया है। आप इसको बेक भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। नॉर्मली ये फ्राई होता है। ये देखिए, बनके रेडी है। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे पहले, तब हम इसको फ्राई करेंगे या बेक करेंगे। ये तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। ये स्टार शेप में बनके रेडी है, और ये डायमंड शेप में इसको हम बेक करेंगे। मैंने ओवन को 400 फ़ारेनहाइट पे प्री हीट होने के लिए रख दिया है, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको प्री हीट कर सकते हैं, और 10 से 12 मिनट आपको बेक करने में लगेंगे। पहले चेक कर लेंगे तेल गर्म हुआ है कि नहीं।
हल्के हल्के जब बबल उठने लगे तब हम इसमें ये ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। 6 से 7 मिनट आपको लगेंगे इसको फ्राई होने में और ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हम सारे ठेकुआ फ्राई कर लेंगे। चलिए अब हम बेक करते हैं कुछ ठेकुआ। ट्रे में मैंने यहाँ पे पहले से थोड़ा तेल ऐड करके और ऊपर से बटर पेपर डाला है, वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें तेल बहुत कम ऐड किया है। तो इससे क्या होगा, ये हमारे ठेकुआ चिपक सकते हैं पेपर पे, ऐसे अरेंज कर लेंगे अच्छे से। और 12 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे और 5 मिनट बाद हम इसको पलट देंगे। पलटने पे क्या होगा, ठेकुआ के जो दोनों साइड पे एक जैसे आपके कलर आ जाएगा। बहुत जल्दी बेक हो जाता है, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है और दोनों का टेस्ट आपका सेम होगा। ये देखिए ये बेक हो चुका है, बहुत ही सिंपल है और कम समय भी लेता है ये। आप जिस तरीके से बनाना चाहें, फ्राई करना चाहें फ्राई कर सकते हैं, बेक करना चाहें बेक कर सकते हैं, दोनों का टेस्ट सेम में होता है और आप इसको स्टोर भी अच्छे से करके रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो मेरा पसंद आया आपको। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग के लिए।